वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर चिंचवाड़ विधानसभा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव की मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। इसमें बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी के अश्विनी जगताप तकरीबन तकरीबन 1,35,434 वोट से जीत गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नाना काटे को 99,343 वोट मिले हैं। राहुल कलाटे के पक्ष में 43,170 वोट मिले हैं। अश्विनी जगताप 36,091 वोट से लीड लेकर जीती हैं। कस्बा में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और चिंचवाड़ में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। ये इस वक्त के नतीजे हैं महाराष्ट्र में, आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर चिंचवाड़ विधानसभा उपचुनाव की जो मतगणना है वो खत्म हो गई है और बीजेपी से अश्विनी जगताप 1,35,434 वोट से जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नाना काटे को 99,343 वोटों से हार का उन्हें सामना करना पड़ा है और ये जो नतीजे सामने आए हैं उसमें जगताप अश्विनी जगताप जी ने अच्छी खासी जीत हासिल की है, लेकिन कस्बा में कांग्रेस को जीत हासिल मिली है तो चिंचवाड़ा में बीजेपी को। ये दो उपचुनाव दो सीटों पर हुए थे, कस्बा पेट और चिंचवाड़, जहां पर ये दोनों ही सीटों पर नतीजे अब तस्वीर जो रुझान अब तक आ रहे थे वो साफ हो गए हैं। चिंचवाड़ से बीजेपी के प्रत्याशी जीती हैं तो वहीं कस्बा पेट से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नाना काटे को 93,343 वोट मिले हैं, यानी कि कस्बा पेट से कांग्रेस ने जीत हासिल की है और चिंचवाड़ से बीजेपी ने परचम लहराया है। अश्विनी जगताप ने अच्छी खासी जीत हासिल की है और लगातार अभी जो खबर भी आई थी उनके पोस्टर मतगणना होने से पहले ही चस्पा कर दिए गए थे कई जगह पर, बधाइयों का दांता उन्हें देना लोगों ने शुरू कर दिया था और अब जब रिजल्ट सामने आया तो जाहिर है उन्होंने जीत दर्ज की। आपको बताते चले कि चिंचवाड़ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना खत्म और कस्बा पेट की भी मतगणना खत्म हो गई है, जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है कस्बा पेट में तो चिंचवाड़ से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। लोगों में जश्न का माहौल आप तस्वीर में देख सकते हैं, सभी लोग बेहद खुश हैं। और अधिक जानकारी के साथ सूरज जुड़ गए हैं हमारे साथ, सहयोगी सूरज, जो पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी लगभग लगभग समीकरण वही बैठा है, एक सीट कांग्रेस के पाले में चली गई है तो दूसरी बीजेपी के। जिस तरह से समीकरण जो बताए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि लगभग नतीजे ऐसे आएंगे, तो मतगणना खत्म होने के बाद नतीजे हूबहू वैसे ही हैं। जी बिल्कुल वैसे, जैसे हमने कहा था कि पुणे से रविंद्र धनगिकर जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वो चुन के आ गए हैं और चिंचवाड़ की बात करें तो इधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अश्विनी जगताप 3,691 वोटों से जीत कर आ गए। जी, दोनों ही पार्टी में खुशी की लहर है, जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए बीजेपी को क्या कुछ कहना है कि उन्हें जो चिंचवाड़ से उनकी लगभग जीत तय थी, क्योंकि जो प्रत्याशी था उसे सैंपति वोट मिलना लगभग लगभग तय था और उसी तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट भी बीजेपी ने किया था। जी बिल्कुल, इधर सैंपति की लाट थी चिंचवाड़ में और अगर कस्बा की बात करें तो कस्बा में केवल विकास के मुद्दे के ऊपर उनको धनगिकर जी को वोट मिले। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी, शुक्रिया आपका सूरज। और ये हमारे सहयोगी थे सूरज, इन्होंने जानकारी दी है कि लगभग वही नतीजे आए हैं, सभी पार्टियों ने जो अपना खुद का सर्वे किया था उसमें भी लगभग यही नतीजे आ रहे थे और बाकी जो जानकार थे वो भी यही कयास लगा रहे थे कि नतीजे लगभग लगभग ऐसे ही होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए चिंचवाड़ से लगभग लगभग बीजेपी की जीत तय थी और पोस्टर भी जिस तरह से लोगों ने चस्पा किए तो उन्हें बधाई देने का तांता वो साफ भी हो गई है। वो तस्वीर दोनों ही सीटों पर नतीजे साफ हो गए।